हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरविंदर कौर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो प्रेपोजिशंस हैं इन, ऑन, इन टू, ऑन टू, इनका इस्तेमाल हम कहाँ करें। बहुत बार ना हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। इन और इन टू को हम एक जैसे ही इस्तेमाल करते हैं और हमें इनका डिफरेंस नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और आप इसको सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेपोजिशन है इन और ऑन, वो पोजीशन की बात करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ की जब हम पोजीशनिंग की बात करते हैं कि वो कहाँ पे है, तो वहाँ पे इन और ऑन होता है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपकी मॉम की फ्रेंड आई और उन्होंने आपसे पूछा कि वेयर इज़ योर मॉम, और आप उनको बताते हैं कि शी इज़ इन हर रूम। शी इज़ कहाँ है आपकी मदर, पोजीशनिंग कहाँ है उनकी कि वो अपने रूम में है, तो शी इज़ इन हर रूम। तो अब ये हो गया, हमने पोजीशनिंग बात कर दी। तो हमने कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ किया, हमने यूज़ किया इन। अब इन टू कैसे लगेगा, वो जो फ्रेंड हैं, जो आपकी मॉम की फ्रेंड हैं, वो अब चल के जा रही हैं उनके कमरे में, तो एक मूवमेंट हो रहा है उनके चलने में, एक मूवमेंट हो रहा है ना। तो वो सारे वर्ब्स जिनमें कोई मूवमेंट शो होता है उनके साथ हम इंटू लगाते हैं। अब वो जो फ्रेंड गई आपकी मदर के रूम में जा रही हैं, तो आप उसको कैसे बताएंगे, इस सेंटेंस को कैसे बताएंगे, माय मदर्स फ्रेंड वॉक्ड इनटू द रूम। तो माय मदर्स फ्रेंड वॉक्ड इनटू द रूम मीन्स इनटू जब हमने लगा दी तो हम ये बता रहे हैं कि वो उस कमरे में जा रहा है, एक मूवमेंट है। तो मूवमेंट को शो करने के लिए, मूवमेंट को डिनोट करने के लिए हम इनटू या ऑन टू का इस्तेमाल करते हैं। जब वो कोई चीज़ ऑलरेडी किसी उसकी जो पोजीशन की बात करते हैं तो हम इन और ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अब ऑन को अगर मैं ले लूँ तो आपने थंबनेल पे देखा होगा, एक टेबल के ऊपर में कुछ बुक्स रखी हैं। तो कैसे हुआ कि ऑन का मतलब ये होता है किसी चीज़ पर, उसको हम बोलते हैं ऑन। तो आई विल से देर आर सम बुक्स कैप्ट ऑन द टेबल, कि वो टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। तो उन बुक्स की पोजीशनिंग क्या है, वो कहाँ पर हैं, वो टेबल के ऊपर हैं, टेबल पर हैं, तो हमने ऑन यूज़ किया। उसी तरह से अगर मैं बोलूँगी कि द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, है ना, तो कैट जो है उसकी वो जो जंप करने की एक मूवमेंट है, और वो कहाँ पर जंप करके कहाँ पर गई, कहाँ पर जाना, मतलब कि एक डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका डेस्टिनेशन है वो टेबल। तो वो टेबल पे जब मूवमेंट करके वहाँ पे गई कैट, तो इसका ये जो जाना है इसके लिए हमने ऑन टू किया। ऑन क्यों, क्योंकि किसी चीज़ पर है ना, तो टेबल, अब इनटू नहीं लगा देना यहाँ पे, इनटू तो कुछ और ही हो जाएगा कि उसके अंदर ही चली गई, टेबल के अंदर ना, तो हमारा थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। तो ऑन टू मतलब किसी चीज़ के ऊपर, और कैट जो है जंप्ड ऑन टू द टेबल। तो आई होप कि आपको इन और इनटू का फ़र्क समझ में आए। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पानी की बॉटल है और ये एक कप है। ठीक है, अब देखिए, मैंने अभी, आप इन और इनटू कुछ ना समझें, अभी आप समझ लीजिए कि मैंने देर इज़ सम वाटर इन द कप, देर इज़ सम वाटर इन द कप। अब ये वाटर की पोजिशन क्या है, वाटर कहाँ है, ये कप के अंदर है, है ना, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कप के अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे देर इज़ सम वाटर इन द कप। अब मैं किसी को बोलूँगी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो वो जो पानी डाल देने का जो प्रोसेस है, पोर सम वाटर इन टू द कप, ये जो देखिए मूवमेंट है ना, पानी की मूवमेंट है, कप में जा रहा है, तो ये जो पानी की जो मूवमेंट है कप में जाने के लिए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन टू, पोर सम वाटर इन टू द कप, या शी पोर सम वाटर इन टू द जग, तो क्योंकि उसमें एक मूवमेंट है। तो जहाँ पे मूवमेंट है वहाँ पे इन टू, क्योंकि उस चीज़ के अंदर वो जा रहे हैं, जैसे रूम के अंदर आप जा रहे हैं, गैराज के अंदर जा रहे हैं, किसी सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे हैं, और ऑन टू में भी मूवमेंट है, किसी चीज़ के ऊपर में वो चीज़ जा रही है या एक मूवमेंट है। तो ये दोनों जो प्रेपोजिशंस हैं इन टू और ऑन टू, मोमेंट के लिए होते हैं, और जो इन और ऑन है वो पोजीशन के लिए होते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, अब मैं आपसे एक आधा क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं है। नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा कि शी थ्रू
द बुक इन इन द रिवर या इन टू द रिवर. शी थ्रू द बुक इन द रिवर या शी थ्रू द बुक इन टू द रिवर. यहाँ पर इन टू आएगा क्योंकि जो थ्रू वर्ड है वो थ्रो का पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है. तो जो ऐसे वर्ब्स होते हैं, जो ऐसे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई मूवमेंट हो रहा होता है, जैसे जंप है, थ्रो है, रन है ना, ऐसे जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं जिनमें मूवमेंट है, तो उनके साथ इनटू ही लगता है. तो शी थ्रू द बुक इनटू द रिवर. बुक इनटू द रिवर, अगर शी थ्रू द बुक इन द रिवर तो वो ग्रामेटिकली इतना साउंड नहीं होगा, इतना करेक्ट नहीं होगा जितना कि शी थ्रू द बुक इनटू द रिवर, क्योंकि उसमें एक मूवमेंट है. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इन और ऑन कहाँ यूज़ करते हैं, इनटू और ऑन टू कहाँ यूज़ करते हैं. तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कितना समझ आया, या फिर कोई और टॉपिक पे, किसी और प्रपोजिशंस पे जो आपको समझने हैं, आप उनके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, हो सकता है कि उतना ही जो लोग हैं जो देखेंगे उनको फ़ायदा पहुँचाएगा. तो छोटे बच्चे तो ज़रूर इन छोटी छोटी चीज़ों का जो मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ आप ज़रूर देखा कीजिए, अपने बच्चों को सिखाया कीजिए. क्योंकि अगर वो छोटे लेवल पे ही प्राइमरी क्लासेस में या बहुत छोटे लेवल पे ही अगर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो बड़े होने तक उनको कोई दिक्कत नहीं होगी. और जो ऑलरेडी बड़े हैं, अगर वो कुछ गलतियाँ करते हैं तो वो आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, है ना. तो इंग्लिश बहुत टफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ये न्यूक्लियर साइंस नहीं है. ये एक स्किल है, जितना ज़्यादा आप इसे यूज़ करेंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये निखरेगी. और जितना इसे डर डर के रहेंगे उतना ये हवा बन के आपको डराती रहेगी. तो डरने की बात नहीं है, आप बस शुरू हो जाइए, बोला कीजिए, बहुत पढ़ा कीजिए इंग्लिश में, न्यूज़पेपर्स वगैरह आप पढ़ा कीजिए. टीवी पे जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं, जो इंग्लिश में न्यूज़ बोलते हैं, आप उनकी न्यूज़ सुना कीजिए और आप इंग्लिश को बहुत ही ईजीली सीख सकते हैं. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू.